तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ऑरा और चक्र कैसे काम करता है। अभी तो मैंने आपको लामा फेरा के बारे में थोड़ा डिटेल दिया, देन आई टोल्ड यू अबाउट द अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लामा फेरा, राइट? ठीक है, आपको ये भी बताया कि जो सिंबल्स होते हैं, 12 सिंबल्स होते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब ये सिंबल्स भी हमारे ऊपर काम कैसे करते हैं और कैसे होता है कि सच में तकलीफ होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो खैर डिटेलिंग है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर बताऊंगी। यहाँ पर हर एक इंसान का ऑरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब जब हम किसी मंदिर में, या मंदिर रहने दें, जैसे किसी साधु संत, जो बहुत पहुंचे हुए साधु संत होते हैं, उनके एक अलग आभा होती है उनके आसपास। आप देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हो एकदम से, आपको लगता है नहीं इनके सानिध्य में बैठना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। तो वो क्या है, वो एक ऑरा है उनका, और वो उनका ऑरा, उनके 7 ऑरा जो होते हैं हमारे, जो 7 हमारी लाइव्स होती हैं, उस लाइव्स तो नहीं कहूंगी, हाँ 7 हमारे वो होते हैं, स्टेजेस होती हैं, तो उसके ऊपर उनके जब वो डेवलप होते हैं, वो क्लीन आउट होते हैं, तब वो ऑरा दूसरों तक जाता है और उसी तरह से लोग उनके आसपास खिंच के आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप देखोगे, जब कोई बहुत लो साउंड कर रहा होगा, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, जो लो फील करते ना, वही आपके आसपास घूमते हैं। जब आप बहुत हंसी खुशी वाला माहौल होता है, सब घर में हैप्पी होते हैं, वो होते हैं, तो वही लोग आपके आसपास आएंगे जो खुश रहते हैं। नोटिस किया आप लोगों ने कि जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा ऑरा वैसा ही इमिट कर रहा है। हम खुश हैं तो हमारी खुशी इमिट कर रहा है चारों तरफ हमारे। अगर हम दुखी हैं तो दुख इमिट कर रहा है चारों तरफ, है ना? तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए हमारा जो ऑरा है, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी एनर्जाइज्ड, राइट? हर वक्त हमें ऑन द गो होना चाहिए। तो इसमें आपको लामा फेरा बहुत हेल्प करता है। अभी देखिए, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए, अगर आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको एक चीज दिखाई है। एक परफेक्ट ऑरा कैसा होता है, ये आपको दिख रहा है? द पर्सन विद अ ब्लैक पर्सन, जिसके चारों तरफ ब्यूटिफुल ऑरा, कलरफुल ऑरा। और वहीं पर जो अनहेल्दी ऑरा है, आप देखिए कितना टूटा हुआ है। ये एक्चुअली डिजिटल मशीन से लिया हुआ है किसी का, तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि डिजिटल मशीन से भी ऑरा कैसे चेक किया जाता है और किस टाइप से उसकी पिक्चर्स आती है। नाउ दिस इज एन अनहेल्दी ऑरा, जो बीच में है, आप देख रहे हैं कितना टूटा फूटा है, या बीच में से गायब है, ये गायब है, यहां से कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, देख पा रहे हैं? और वही जो एक हेल्दी ऑरा है, जब हम उसको उसमें देखते हैं तो किस तरह से दिखता है, देखिए। तो अब जो हमारी स्टेज होती है, जब भी हमें तकलीफ आती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डिजीज होते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारा ऑरा इस तरह से शो करता है हमारी, और मतलब चीजों को, तो उससे पता चलता है कि भाई तकलीफ कहाँ है, और उसके बाद उसकी हीलिंग्स होती है। और जब वो हील हो जाती है वो प्रॉब्लम, तो आपका ऑरा वहां से नॉर्मल हो जाता है, प्योर हो जाता है, और इस तरह से दिखने लगता है, जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अभी यस मैम। ऑरा की तो हमने बात कर ली, अब हम थोड़ा सा चक्रास पे बात करते हैं, ठीक है? आप लोगों सबने बहुत, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेडिटेशन और ऑरा चक्रा, है ना? चैंटिंग्स, मेडिटेशंस, मेडिटेशंस, यही चल रहा है, राइट? लेकिन होता क्या है, ऑरा तो अभी समझ आ गया कि ऑरा को क्लीन किया जाता है और इस तरह से उसके ऊपर वर्क किया जाता है। अलग अलग मोडेलिटीज में अलग अलग तरीके हैं इन चीजों को करने के। अब थोड़ा सा हम चक्रास के ऊपर ध्यान देते हैं। सबको पता है 7 चक्रास होते हैं, क्या आप में से कोई जानता है एक्चुअली कितने चक्रास होते हैं? जो यहाँ पर एक्यूप्रेशर वाले होंगे, उन्हें तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर है कोई तो। 140 114 टोटल चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको यस मैम। शुद्ध, मेजर और माइनर चक्रास भी कहा जाता है, मेरिडियन पे भी होते हैं, बहुत सारी हैं। वो टोटल मिला के होते हैं 114 चक्रास।
बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में 21 चक्रा पे भी काम होता है, बहुत सारी मोडालिटीज में 11 चक्रास पे काम होता है, कुछ मोडालिटीज में 9 चक्रास पे काम होता है, और जो लामा फेरा पद्धति है उसमें 7 चक्रास पे काम होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 114 वो है, या ये समझ लीजिए कि 7 पॉट्स हैं आपके पास, ठीक है, उस 7 पॉट्स के नीचे सारे पॉट्स हैं। तो इसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। इनको अगर चार्ज कर लिया तो जितने भी बाकी चक्रास, बाकी ऑरा है, बाकी सब चीजें चार्ज हो जाए। तो इसीलिए हम मेन इन 7 चक्रास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी आप मोबाइल चार्ज करने तो क्या करते हो, आप चार्जर लगाते हो ना, उसके अंदर पिन डालते हो अपने सॉकेट्स में और ऑन करते हो, जैसे ही स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है, एंड यू आर गुड टू गो, राइट। तो इसी तरह से ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और जो हम मेडिटेशन करते हैं अपने ऑरा और चक्रा के ऊपर, तो हमारे ये ऑरा और चक्रा जो है वो चार्ज हो जाते हैं, और जब ये चार्ज होते हैं तो वी आर ऑल गुड। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, यहाँ जो ऊपर होता है बेसिकली एकदम एग्जैक्ट यहाँ टच नहीं होता है कभी भी चक्रा, क्राउन चक्रा, जो फर्स्ट चक्रा है जिसे हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ये होता है थोड़ा सा ऊपर। आप देखेंगे वहां पर भी टच किया है, पर थोड़ा सा ऊपर है। इट इज बेसिकली 4 to 6 इंचेस ऊपर होता है, यहाँ पर होता है फर्स्ट चक्रा हमारा, इसको क्राउन चक्रा बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो है वॉयलेट, जो बैंगनी कलर होता है, पर्पल वाला, ठीक है, वो कलर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई, जहां आप देख रहे हैं मेरा तिलक लगा हुआ है, तो ये थर्ड आई चक्रा होता है। ये इसमें एक्चुअली वो कलर गलत हो गया है, डार्क ब्लू ऊपर आएगा, लाइट ब्लू नीचे आएगा, सॉरी फॉर द स्क्रीन कलरिंग। तो ये होता है इंक ब्लू कलर, जो हम इंक भरा करते थे ना बचपन में पेन में, इंक कलर, वो कलर होता है यहाँ पर, दैट इज इंडिगो, जिसको हम इंडिगो कलर बोलते हैं।